जय माता दी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। तो हमारे सनातन धर्म में हर कोई जानता है रुद्राक्ष के बारे में कि ये जंगलों में पाए जाते हैं, इनके बहुत सुंदर वृक्ष होते हैं और एक फल होता है, उसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। तो रुद्राक्ष कौन से प्रकार के होते हैं और 15वें रुद्राक्ष को गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। हर रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व होता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष, यह महादेव रुद्र का पूर्ण स्वरूप है। दुर्लभ है, परंतु यत्न करने पर प्राप्त हो जाता है। इसके धारण करने मात्र से लौकिक और परलौकिक दोनों आनंद प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में यह नेपाल में ही उपलब्ध है। आपने शिव पुराण में रुद्राक्ष के बारे में जान सकते हैं पूरा। मैं आपको इसी तरह से कुछ रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगी। दुमुखी रुद्राक्ष, यह शिव और पार्वती यानी शिवा और शिव दोनों का शक्ति का प्रतीक है। इसके धारण करने से दाम्पत्य जीवन सुख होता है, सुखी रहता है, पारिवारिक शुभता और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। त्रिमुखी रुद्राक्ष, यह शिव के त्रिनेत्र और अग्नि शक्ति का प्रतीक है। इसके धारण करने से तेज बल की वृद्धि होती है, संतुष्टि और शांति प्राप्त होती है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष, यह ब्रह्म स्वरूप है। इसके ध्यान कर योग ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यानी कि चतुर्मुखी जो रुद्राक्ष है, उसको धारण करने से, उसकी माला जपने से या उसको अपने गले में पहनने से, अपने पास रखने से योग ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उसकी माला से अगर आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं कालंगनी रुद्र स्वरूप है। शिवा और शिव उपासकों को वह मतलब जो शिव जी के बारे में बात करते हैं उनको ये ज़रूर धारण करना चाहिए। जो शिव जी की पूजा करते हैं, जिनको बहुत मानते हैं, वो पंचमुखी रुद्राक्ष को जरूर धारण करना चाहिए। षटमुखी रुद्राक्ष, यह रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का प्रतीक है। विद्या प्राप्ति एवं मंगल शांति हेतु सर्वोत्तम है। सप्तमुखी रुद्राक्ष, इसके आदि देवता सप्त ऋषि हैं। कर्महीन भाग्यहीन व्यक्ति को इसे जरूर धारण करना चाहिए, इससे भाग्य उन्नति होती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष, यह गणपति स्वरूप विघ्न विनाशक शत्रुनाशक विजयदाता रुद्राक्ष है। अष्टम भाव या अष्टमेश की खराब स्थिति धारण करने से लाभ होता है, अरिष्ट की शांति होती है। नवमुखी रुद्राक्ष, यह नवमुखी रुद्राक्ष नवग्रह का प्रतीक है, नवदुर्गा का प्रतीक है। यह भाग्यदाती दाता सर्वग्रह शांतिकारक रुद्राक्ष है। दसमुखी रुद्राक्ष, यह भगवान विष्णु का प्रतीक है। समस्त प्रकार की दैविक और भौतिक बाधाओं का निवारण करता है। एकादश मुख रुद्राक्ष, यह एकादश रुद्र का प्रतीक है। सुख समृद्धि पाने एवं भगवान शंकर का कृपा पात्र बनने हेतु जरूर धारण करना चाहिए। द्वादश मुखी रुद्राक्ष, द्वादश आदित्य स्वरूप है। इसके धारण करने मात्र से ही दरिद्र का निवारण होता है, यानी दरिद्रता नहीं रहती है अगर हम 12 मुखी रुद्राक्ष यानी द्वादश मुख रुद्राक्ष को धारण करते हैं। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष, यह त्रिदेव का प्रतीक है। इसका धारण करना ही अपने आप में अति सुखदायी एवं फलदायी होता है। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार की सुखों की प्राप्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार की सुखों की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसे धारण करना चाहिए। चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष, यह भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी का स्वरूप है। इससे मानसिक तनाव तो दूर होता ही है, भूत प्रेत और बाधि जो हमारे बाधाएं लग जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, उनका निवारण होता है। और 15वां है गौरी शंकर, यह शिव और पार्वती का स्वरूप है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा हो उन्हें यह धारण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय माता।